क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फाइव चैप्टर नाइनटीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में एंड टिब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट कंसनट्रेट कैसे होता है इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन में दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो वन टू टू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन सो एनिमल्स में बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो एकमुलेट होते हैं जैसे कि अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और आयंस भी होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट सल्फेट ये या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बनते हैं या फिर एक्सेस इंजेशन की वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं ये जो जो भी सबस्टेंसेस हैं इनको टोटली totally या पार्सली रिमूव करने की आवश्यकता होती है इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ एलिमिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का क्या मैकेनिज़्म होता है और स्पेशल इम्फेसिस मतलब ज़्यादा जोर देंगे किन वेस्ट पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलते हैं सभी एनिमल्स में जनरली अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड ये मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ एक्सक्रीट किया जा सकता है अमोनिया को एलिमिनेट uh, करने का अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अमोनाटिलिस बहुत सारी बोनो बोनी फिशेज में एक्वाटिक एम्फीबियंस में एक्वाटिक इंसेक्ट्स में अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन देखने को मिलता है अमोनिया रेडिली सॉल्यूबल होता है पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है तो ये डिफ्यूजन से एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी सर्फेस के द्वारा या फिर गिल सर्फेस के द्वारा फिशेज में अमोनियम आयंस की फॉर्म में और किडनी जो है इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करती इसके रिमूवल में टेरेस्ट्रियल एडाप्टसन की बात करें तो वहाँ पे जो लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोडक्ट करने प्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके मैमल्स और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मेरीनफिस मेनली यूरिया एक्सक्रीट करती हैं इसलिए इनको यूरियोटेलिक कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स अमोनिया जो मेटाबोलिज्म में प्रोड्यूस होता है वो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लिवर में इन एनिमल्स में और फिर वो ब्लड में रिलीज हो जाता है जो कि फ़िल्टर किया जाता है फिल्टर और एक्सक्रीट किसके द्वारा किया जाता है किडनी के द्वारा कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी मैट्रिक्स में बचा रह सकता है इन एनिमल्स में ताकि डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेनटेन किया जा सके रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स और, और इंसेक्ट्स जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में मिनिमम लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है यहाँ पे और इनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है तो एनिमल किंगडम के बारे में जब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के सर्वे में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारे टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द इन्वर्टीब्रेड्स में ये स्ट्रक्चर्स जो है वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती हैं जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनको किडनीज़ बोला जाता है कुछ स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है जैसे सबसे पहले हम प्रोटोन या फिर फ्लेम सेल्स की बात करेंगे ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लेटी हेलमिनथीज के केस में फ्लैटफॉम्स और प्लेनेरिया के केस में एक्जाम्पल है रोटीफर्स कुछ एनिलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स मेंफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फिओक्सिस इनमें जो है प्रोटोनैफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्ड होते हैं आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन के साथ दैट इज ऑसमो रेगुलेशन नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आर्थॉम के केस में और दूसरे एनीलीडा के केस में नेफ्रीडिया भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस को मेनटेन करने का काम करते हैं मालफीजियन टीबल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग कॉकरोच मालफीजियन टीबल्स भी सेम फंक्शन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और ऑसमो रेगुलेशन कराते हैं इसके अलावा एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीटरी इन नेचर होती हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन करती हैं क्रस्टेशियंस में जैसे कि प्रॉन्स झींगा मछली नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनीज वन पेयर ऑफ यूरेटर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है सिंगल और एक यूरेथ्रा होता है किडनी जो है वो रेडिस ब्राउन होती है बीन सेब डिस्ट्रक्चर होते हैं और ये सिचुएटेड होते हैं लास्ट थोरेसिक से लगा के थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक यानी टी ट्वेल्व टू एल थ्री इनकी पोजीशन होती है और ये डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज होते हैं डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज़ होते हैं हर एक किडनी जो ह्यूमन में पाई जाती है उसका मेजरमेंट की बात करें तो 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ में 5 टू 7 सेंटीमीटर वेंथ में 2 टू 3 सेंटीमीटर थिकनेस में एवरेज वेट इनका 120 ट्वेंटी टू वन ग्राम होता है टूवर्ड्स द इनर टूवर्ड्स द सेंटर सेंटर की तरफ इनर कॉन्केव सर्फेस होती है किडनी में जहाँ पर नॉच प्रजेंट होता है जिसको हाइलम कहते हैं और यहाँ से यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं हाइलम से अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल सेप स्पेस होता है जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस जहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको कैलिसिस बोला जाता है जो आउटर लेयर है किडनी की एक टफ कैप्सूल होता है इनसाइड किडनी यहाँ पर दो जोन्स होती हैं आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स इनर को बोलते हैं मेडुला मेडुला डिवाइडेड होता है फ्यू कोनिकल मॉसिस मासेस में जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स जो कि कैलिसिस में प्रोजेक्ट करते हैं सिंगल बोलते हैं कैलिक्स जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला में एक्सटेंड करता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे इधर डायग्राम देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का तो बेसिक क्या क्या है यहाँ पर किडनीज़ हैं और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है सुपरा रिनल ग्लैंड या फिर एडिनल ग्लैंड कहलाती है यहाँ पर इन्फीरियर कावा और ईरोटा को दिखाया गया डॉर्सल योरटा को <coughs> इनके जो सब डिविजन्स हैं जिनको रिनल आर्ट्री रीनल वेन बोलते हैं वो किडनी को कनेक्ट करने का काम करते हैं और किडनी का ये पेल्विस वाला पार्ट हो गया ये मेडुला है ये कॉर्टेक्स है और यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स एराइज करते हैं उनको बोलते हैं यूरेटर्स सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अलावा यूरेथ्रा देखने को मिलता है नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे तो द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स और इसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी कॉलम ऑफ बर्टिनी आप डाइग्राम देख सकते हैं ध्यान से तो ये मेडुलरी पिरामिड है इसके बीच बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यही है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी हर एक किडनी में लगभग एक मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है जो कि फंक्शनल यूनिट है हर एक नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं ग्लोमेरुलस दूसरा रीनल ट्यूबुल ग्लोमेरुलस जो है वो टफ ऑफ कैपिलरीज होता है और ये फॉर्म होता है एफरेंट आर्ट्रियल से जो कि फाइन ब्रांच होता है रिनल आर्टरी का और ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से कैरी आउट होता है आ, दूर की तरफ जाता है एफरेंट से आता है एफरेंट से जाता है एफरेंट से तो ए पहले आता है तो ए इसमें भी पहले आ रहा है ग्लोमेरुलस से पहले ए और लीव करता है ई e के साथ दैट इज़ एफरेंट तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है ए से आएगा ई e से जाएगा ई e से एग्जिट भी हो गया तो ऐसे भी आपको याद रख रह, रख सकते हैं ये डायग्राम आपने ध्यान से देखा यहाँ पे आपने रीलम कॉलम ऑफ बर्टली को देखा इसके अलावा जो मेडुला होता है वहाँ से कैल एक्सराइज करता है रीनल आर्ट्री रीनल वीन शो की गई है रीनल पेल्विस शो किया गया है और यह ये यूरेटर है कंटिन्यू हो रहा है बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और सबसे बाहर की तरफ एक टफ कैप्सूल प्रजेंट होता है दैट इज ऑल्सो एज रीनल कैप्सूल तो यहाँ हम लोग बात करेंगे जो रीनल टिब्यूल है ये बिग करता है डबल वर्ल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल जो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बांस कैप्सूल बोला जाता है मालफीजियन बॉडी या फिर मालफीजियन या फिर रीनल कॉर्पसल ओके या फिर मालफीजियन कॉरपोसल भी इसको कहते हैं तो डायग्राम देख लेंगे ध्यान से कि भाई यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं देखिए जो कि मैं आपको याद करने की कोशिश करा रहा था याद कराने की वो है एफरेंट आर्ट्रियोल जहाँ से ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में जहाँ से एग्जिट करता है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल उसके बाद ये आ, जो एफरेंट ईफरेंट आर्टेरियोल है सॉरी ये आ, जो है वो वासरेक्टा फॉर्म कर लेता है पी सी टी डी सी टी और के अराउंड ये ग्लोमेरुलस हो गया और जो बाउल सेप डिस्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल फिर यहाँ से अराइज करता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्रिब्यूल इसके बाद आता है हेनल स्लूप जिसमें दो लिंब होते हैं एक डिसेंडिंग लिंब है दूसरा असेंडिंग लिंब है इसके बाद होता है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल और फाइनली जो है वो कलेक्टिंग टिब्यूल प्रेजेंट होता है तो इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो टिब्यूल यहाँ से कंटिन्यू करता है फर्दर हाईली क्वाल नेटवर्क बनाता है उसको बोलते हैं पी सी टी प्रॉक्मल कन्वोलेटेड टिब्यूल और पी के बाद होता है हेयर पिन प्रिंसैड हैनलीज लूप हैंज लूप कहते हैं इसको ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल है जिसमें एक डिसेंडिंग लिंब होता है एक असेंडिंग लिम्ब होता है जो असेंडिंग लिंब है वो कंटिन्यू कर जाता है एंड अदर हाईली क्वाइल ट्यूबुलर रीजन के साथ जिसको बोलते हैं डी सी टी डिजिटल कन्वर्टेटेड ट्यबूल डी सी टी जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का है वो एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कन्वर्ज होकर रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं मेडुलरी पिरामिड से कैलिसिस में जो मालफीजन कॉर्पसल है पीसीटी है डीसीटी है नेफ्रॉन का ये जो है कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है किडनी में जबकि लूप ऑफ एनले मेडुला में डिप करता है मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ एनले है ये शॉर्ट होता है और बहुत ही कम मेडुला में एक्सटेंड करता है ऐसे नेफ्रॉन्स को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जबकि दूसरे नेफ्रॉन है जहाँ पर लूप ऑफ हेंडले वेरी लॉन्ग होता है और डीप जाता है मेडुला में और ऐसे नेफ्रॉन्स को बोला जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स तो नेफ्रॉन्स दो तो टाइप के होते हैं मोस्ट ऑफ़ द नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और थोड़े से नेफ्रॉन्स सम ऑफ नेफ्रॉन्स जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं तो इनका लूप ऑफ एंडले जो है वो वेरी लॉन्ग होता है और इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली इनका बेसिक फंक्शन होता है ये वाटर को कंजर्व करने का काम करते हैं यहाँ डायग्राम देख लेते हैं मलफीजन बॉडी का ध्यान से एक बार फिर से एफरेंट आर्ट्रियोल जहाँ से ब्लड एंटर करता है इसका डायमीटर जो है वो एफरेंट से ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल और यहाँ से जो टिब्यूल एराइज़ करता है उसको बोला जाता है कन्विटेड ट्यबुल प्रॉक्सिमल कन्विटेड ट्यबुल पी सी टी तो ये डायग्राम है मलफीजन बॉडी का या फिर रीनल कॉर्पसल का नेक्स्ट हम लोग बात करें जो एफरेंट आर्ट्रियोल है एफरेंट आर्ट्रियल जो ग्लोमेरुलस ग्लोमेरोलस इमर्ज करता है वो फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है रीनल टिब्यूल के अराउंड और इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज एक माइन्यूट वेसल इस नेटवर्क में जो है वो पैरेलल रन करता है लूप के आ, और यू सेब्ड वासर एक्टा फॉर्म करता है वासर एक्टा जो है वो एबसेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के केस में जैक्सट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये प्रेजेंट होता है यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली तीन मेन प्रोसेस होते हैं पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दूसरा है रीअब्जॉपन और तीसरा है सिक्रेशन ये डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में होते हैं फर्स्ट स्टेप की हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा कैरी आउट किया जाता है इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड जो है वो किडनीज के द्वारा फिल्टर होता है पर मिनट और जिसका uh, ये कितना होता है ये रफली वन बाई फाइव होता है जो भी टोटल ब्लड ईच वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है हार्ट से तो पर मिनट वैल्यू मतलब फाइव लीटर्स का वन बाई फाइव आप निकाल लें तो अप्रोक्सीमेशन आपको मिल जाएगा एलेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड लीटर अगर सिक्स फाइव टू सिक्स लीटर्स उधर हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड्स होता है थ्री लेयर्स के थ्रू कौन कौन सी थ्री लेयर हैं एक तो है एंडोथीलियम ग्लोमरुलर ब्लड वेसल्स की दूसरी है बॉम्बेंस कैप्सूल की एपीथीलियम और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है एपिथीलियल सेल्स जो बॉम्बेंस कैप्सूल की होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं इनको पोडोसाइट सेल्स कहते हैं ये ऐसे मैनर में अरेंज होती हैं कि वहाँ पर कुछ माइन्यूट स्पेसेस छूट जाते हैं जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स ब्लड जो फिल्टर होता है यहाँ से बहुत फाइनली फ़िल्टर होता है इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू और ऑलमोस्ट जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट प्रोटीन्स प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट जो प्लाज्मा के हैं वो बाउमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में पास कर जाते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है क्योंकि बहुत ही जो फाइन स्लिट्स होती हैं वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट कितना फॉर्म होता है किडनी के द्वारा पर मिनट इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर इंडिविजुअल का कितना होता है 125 ट्वेंटी फाइव पर मिनट 180 एटी लीटर्स पर डे किडनी में बुलटिन मैकेनिज्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने का एक इफिशेंट मैकेनिज्म है जो कि जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा कैरी आउट होता है जे जी एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है सेलर मॉडिफिकेशन से बनता है डिजिटल कन्वेलेटेड टिब्यूल में और एफेरेंट आर्ट्रल के पास आ, उस लोकेशन पर प्रेजेंट होता है जहाँ इनका कंटैक्ट होता है अगर जी एफ आर का लेवल डाउन हो जाता है तो जे जी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ये रिलीज़ करते हैं रेनिन जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर सकता है और जी एफ आर को नॉर्मल कर देता है इसको हम लोग थोड़ा सा अगेन पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में अगर हम कंपैरिजन करें वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ 180 एटी लीटर्स पर डे और जो यूरिन रिलीज हो रहा है 1.5 पॉइंट लीटर्स पर डे तो ये सजेस्ट करता है कि नियरली 99 परसेंट जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्व हो जाता है रीनल टिब्स के द्वारा और इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्बन कहते हैं ट्यूबुलर एपिथीलियल सेल्स जो डिफरेंट सेगमेंट्स में पाई जाती है नेफ्रॉन में वो ये फंक्शन करती हैं आइदर बाई एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म फॉर uh, एग्ज़ाम्पल हम बात करें जैसे ग्लूकोज अमेनोसेड सोडियम ये फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्व होते हैं एक्टिवली जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं वाटर का जो रीअब्जॉपन है हमेशा पैसिवली ही होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है जनरली नेक्स्ट हम लोग बात करें यूरिन फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती हैं जैसे एच प्लस के प्लस एंड नमोनिया कहाँ सिगरेट करती है फिटरेट में ट्यूबुलर सिग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में क्योंकि ये आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है जो एक्सेस आयंस होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूबुल्स के फंक्शन के बारे में जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेटेड ट्यूब्यूल इसका फंक्शन क्या होता है ये लाइंड होता है सिंपल ट्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम से जो कि सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर देता है रीऑब्जॉर्बन के लिए लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर एबजॉर्व हो जाते हैं और 70 टू एटी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है वो इस सेगमेंट के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है पी क्या क्या हेल्प करता है पी सी मेंटेन रखता है आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी फ्लूड्स का सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन आयन्स अमोनिया और पोटेशियम के सेलेक्टिव सिक्रीशन की वजह से जो आयंस हैं फिल्ट्रेट में सिक्रीट हो जाते हैं और बाईकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है नेक्स्ट हम लोग बात करें हैंडलेज लूप के बारे में तो ये थोड़ा सा स्पेशल होता है यहाँ पर जो है वो रियब मिनिमम होता है असेंडिंग लिम्ब में हालांकि ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में जो मेडुलरी इंटस्ट्रीसल फ्लूड में होती है जो डिसेंडिंग लिंब है लूप ऑफ एनले का ये वाटर के लिए परमेबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अनपर्मेबल होता है तो ध्यान देना जो डिसेंडिंग लिंब है नीचे जा रहा है वो वाटर के लिए परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम है तो इस तरीके से जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट हो जाता है जैसे जैसे नीचे मूव करता है जो असेंडिंग लिंब है उसकी कहानी उल्टा है वो वाटर के लिए परमेबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है एक्टिवली या फिर पैसिवली तो ये जो कंसनट्रेट फिल्ट्रेट है जैसे ऊपर की तरफ पास करता है ये फिर से डाइल्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के पैसेज की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेडुलरी फ्लुइड में रिलीज हो जाते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीसीटी के बारे में डीसीटी में कंडीशनल रि होता है सोडियम और वाटर का कंडीशनल एब्जॉर्प्शन का कहने का मतलब है सोडियम जो है वो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का उससे रिओब्जॉर्ब होता है और वाटर के लिए जो है वो एडीएच हार्मोन होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीसीटी जो है वो रीअब्जॉपन के कैपेबल होता है एस यू थ्री का रीअब्जॉप्शन करा सकता है इसके अलावा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का सेलेक्टिव सिक्रेशन करा सकता है इसके अलावा एनएस थ्री का भी सेलेक्टिव सिक्रेशन कराता है ताकि पी एच को मेनटेन किया जा सके और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाया जा सके ब्लड में तो यहाँ आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं कौन कौन से जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है क्या क्या रिलीज होता है इसके बारे में सबसे पहले हम पीसीटी के बारे में बात करेंगे तो पीसीटी में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आन एन एस सी एल एच टू ओ न्यूट्रिय पोटासियम ये जो है वो रीअबजॉर्ब होते हैं हाइड्रोजन और एन एस थ्री जो है वो रिलीज किया जाता है तो लूप ऑफ एनल जो है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है डी सी टी फिर से कॉर्टेक्स में ही होता है डी सी टी में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है एन ए सी एल का एच टू ओ का और एस सी ओ थ्री ओ माइनस का और इसके अलावा के प्लस और एच प्लस का जो है वो क्या होता है सिक्रीशन होता है लूप नेक्स्ट हम लोग मेडुला की बात कर रहे हैं मेडुला में जो है लूप ऑफ एनले डिप्ड होता है जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले का यहाँ वाटर के लिए परमेबिलिटी होती है सॉल्ट्स के लिए नहीं होती है और असेंडिंग लिम्ब की हम बात करें असेंडिंग लिम्ब में जो है वो सोडियम यानी सॉल्ट के लिए परमेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है वाटर के लिए परमेबिलिटी नहीं होती है कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ से यूरिया और वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है पैसिवली ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कलेक्टिंग डक्ट के बारे में कलेक्टिंग का डक्ट का काम क्या होता है ये लॉन्ग डक्ट है जो कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक एक्सटेंड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से रीअबसर्व किया जा सकता है ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस किया जा सके ये सेगमेंट जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को यूरिया uh, का पैसेज अलाउ करता है मेडुलरी इंटेस्टीसियम में ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच और आयोनिक बैलेंस को रेगुलेट करने में क्योंकि ये भी H प्लस और K प्लस आयंस का सेलेक्टिव सिक्रीशन कराता है नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है यूरिन के कंसनट्रेशन के लिए यूरिन का कंसनट्रेशन कैसे मेंटेन किया जाता है मेमल्स में ये एबिलिटी होती है कि बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं हैंडलेज लूप और वासर रेक्टा इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो फिल्ट्रेट का फ्लो है दो लिम्प ऑफ है हैंडलेज लूप में वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इस तरीके से काउंटर करंट फॉर्म होता है जो ब्लड का फ्लो है दो जो टू लिम्स हैं वासा के ये भी काउंटर करेंट पैटर्न में होता है यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है जो प्रॉक्सीमिटी हैंडलेज लूप और वासरेक्टा के बीच में वहाँ पर जो है वो काउंटर करेंट जो है वो आयनिक मतलब बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करने और मेंटेन करने में हेल्प करता है इनर मेडुलरी इंटरेस्टिशम में इनर मेडुलरी इंटरेस्टिशियम में जो ऑसमिलैरिटी है वो ज़्यादा होती है कितनी होती है कॉर्टेक्स में होती है 300 हंड्रेड मिली ऑस्मॉल और इनर मेडुला में होती है 1200 हंड्रेड मिली ऑस्मॉल तो 300 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड ये मेनटेन करने में हेल्पफुल होता है और ये ग्रेडियंट जो है क्यों कॉज होता है ये सोडियम और यूरिया की वजह से कॉज होता है एन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एसेंडिंग लिंब ऑफ हैंडले के द्वारा जो एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासटा के साथ और एन जो है वो रिटर्न होता है इंटरिस्टीसियम में असेंडिंग पोर्सन ऑफ वासरेक्टा के द्वारा सिमिलरली हम बात करें कुछ अमाउंट जो है वो यूरिया का एंटर कर जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप में जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है वापस इंटरिस्टीसीम में कलेक्टिंग ट्यूबल से ठीक जो हम लोग ऊपर डिस्क्राइब किए ना ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ये फैसिलिटेट होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप और वासर एक्टा के द्वारा इसको बोला जाता है काउंटर करेंट मैकेनिज़्म तो पहले हम लोग काउंटर करेंट मेकेनिज्म का डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे पहले ये एफरेंट आर्ट्रीओल है और ये ऊपर की तरफ बाउमेंस कैप्सूल है ये ग्लोमेरोलस है एफरेंट आर्ट्रील एफरेंट आर्ट्रियल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में एफरेंट से रिलीज हो गया और इफरेंट जो है वो फर्दर आगे ये वासर एक्टा फॉर्म कर लेता है इस साइड जो स्ट्रक्चर हो गया है दूसरी साइड नेफ्रॉन को शो किया गया है तो बेसिकली जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ पर कंसनट्रेशन थ्री हंड्रेड मिली ऑसमॉल होता है जब ये नीचे की तरफ मूव करता है इसके अपोजिट में जो वॉसर एक्टा प्रेजेंट होता है वो उसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इनका खुद दो लिम्स का जो है वो फ्लो डिर अपोजिट डायरेक्शन में उधर वासर एक्टा है उसका इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ से जो भी सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं वो वासर एक्टा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो जैसे हमने बात करी जो डिसेंडिंग लिब है वो वाटर के लिए परमेबल होता है और सॉल्ट के लिए इम परमेबल होता है तो ऊपर से जब नीचे आता है तो पानी जो है वो निकल जाता है वाटर रिलीज हो जाता है तो जो फ्लूड है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है नीचे आते आते फिर जब वो डिसें असेंडिंग लिब में जाता है जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे सॉल्ट रिलीज हो जाता है क्योंकि ये वाला जो लम्ब है वो सॉल्ट के लिए परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होता, होता है वाटर के लिए इम्परमेबल होता है यहाँ हम बात करें वास्टा के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हो रहा होता है यहाँ सॉल्ट का एब्जॉर्बन होता है और एच टू वो थोड़ा बहुत रिलीज भी होता है इसके अलावा सॉल्ट भी रिलीज होता है तो बेसिकली ये काउंटर करेंट मेकेनिज़म क्या कराता है यूरिन के कंसनट्रेशन मतलब यूरिन को कंसनट्रेट करने में हेल्पफुल होता है नेक्स्ट हमने कलेक्टिंग ट्यूबेल से बात करी कलेक्टिंग ट्यूबेल के बारे में बात की तो यहाँ से जो है वो बहुत सारा वाटर और यूरिया जो है वो इसमें रिलीज होता रहता है इनर मेडुला की तरफ ताकि कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके सो so, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टीसियम तो ये जो मैकेनिज्म है इससे मेडुलरी इंटरस्टीसियम में कंसनट्रेशन मेंटेन रहता है आ, ऐसे इंटरस्टीसियल ग्रेडियंट से क्या हेल्प होती है कि वाटर जो है वो आसानी से कलेक्टिंग टिब्यूल से पास हो जाता है और यूरिन को फिल्टर यूरिन फिल्ट्रेट जो है उसको कंसनट्रेट करने में हेल्प मिलती है ह्यूमन किडनी जो है वो लगभग कैसा यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है नियरली फोर टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है उससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में कि किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट किया जाता है जो किडनी की फंक्शनिंग है वो बहुत इफ़िशेंटली मॉनिटर्ड होती है और रेगुलेट करी जाती है हार्मोनल फील हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथैलेमस जे जी ए सर्टन एक्सटेंट तक हार्ट भी इन्वॉल्व होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स जो बॉडी में पाए जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी कोई ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूड वॉल्यूम में चेंज आता है या फिर आयनिक कंसेंट्रेशन में चेंज आता है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड अगर हो जाता है बॉडी से तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि वो एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज करे ए डी एच या फिर वेसोप्रेशन कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से यानी लोब ऑफ पिट्यूटरी से एडीएस क्या कराते हैं वाटर ही ऑब्जॉर्बन कराता है लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल बाद वाले जो पार्ट हैं टिब्यूल के तो ये डायरेसिस को प्रिवेंट करने का काम करता है यानी कि यूरिन जो है वो लेस कंसनट्रेटेड नहीं होने पाती बार बार जो यूरिन आता है या ज़्यादा वाटर आता है यूरिन में उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है अगर बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो ऑस्मोरिकप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं और ए डी एच रिलीज को सप्रेस कर देते हैं ताकि फीडबैक कंप्लीट हो जाए और ए डी एच जो है वो किडनी फंक्शन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है अपने कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट से जो ब्लड वेसल्स पे होता है तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है ये जी एफ आर को बढ़ा सकता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ़्लो को बढ़ा देगा इस तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा जे जी ए कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका बहुत ही आ, रेगुलेटरी रोल है जे जी ए कॉम्प्लेक्स का अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर जी एफ आर में गिरावट होती है तो इससे जे जी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और रेनिन सेक्रेट करती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और फर्दर एंजियोटेंसिन टू में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन टू एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है तो ये क्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और फाइनली जो है जीएफआर को बढ़ा देता है एनजियोटेंस इन टू एडिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि वो एल्डो को रिलीज करे एल्डो कंडीशनल कंडीसन रीऑब्जॉर्बन कराता है सोडियम का और वाटर का डिजिटल पार्ट ऑफ टिब्यूल से और ये आ, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है और जी को भी इंक्रीज़ कर देता है इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मैकेज़म जो है वो नॉर्मली कैसे जाना जाता है इसको जनरली रेनिन एंजियोटेंसिन मकैनिज़म के नाम से जाना जाता है अगर आ, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एट्रिया में हार्ट में तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिनको बोला जाता है एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर ए एन जो है वो वैसोडाइलेटर होता है तो वैसोडाइलेशन कॉज करता है ब्लड वेसल्स का डायलेशन कॉज करा देता है तो ये ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है इस तरीके से जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है जो ए एन एफ मैकेनिज़म है एट्रीनिटी फैक्टर ये उसको चेक करने का काम करता है कहीं ऐसा ना हो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है नेक्स्ट हम लोग बात करें मेक्चूरेशन के बारे में यूरिन जो है वो नेफ्रॉन्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में कैरी आउट कैरीड हो जाता है वहाँ तक और तब तक स्टोर होता है जब तक एक वॉल्ट्री सिग्नल जो है वो सी के द्वारा ना दिया जाए ये सिग्नल कब इनिशिएट होता है जब यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग होती है जब ये यूरिन से भर जाता है इसके रेस्पॉन्स में स्ट्रेस रिसेप्टर्स जो वाल्स पर प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर का वो सिग्नल भेजते हैं सी को और सी जो है वो मोटर मैसेज पास करता है तो स्मूथ uh, मसल्स का कंट्रैक्शन होता है ब्लडर की स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन हो जाता है और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होता है यूरेथरल स्पिंगटर का जिससे रिलीज़ ऑफ यूरिन हो जाता है और ये जो प्रोसेस है यूरिन को रिलीज़ करने का ये मिकचूरीशन कहलाता है और जो न्यूरल मेकनिज़म इसको कॉज कराते हैं वो म्यूचुरी मिकचूरीशन रिफ्लैक्स कहलाता है एडल्ट ह्यूमन जो है वो ऑन एन एवरेज वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स यूरिन पर डे रिलीज़ करता है यूरिन के बारे में हम बात कर लें तो यूरिन जो है वो लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूड होता है स्लाइटली एसिडिक होता है पी एच सिक्स सिक्स पॉइंट एट टू बी एग्जैक्ट मतलब सिक्स टू सिक्स पॉइंट एट के बीच में होता है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसमें ऑन एन एवरेज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो यूरिन के करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं यूरिन का जो एनालिसिस है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में एज वेल एज किडनी के जो माल फंक्शन है उसके लिए भी फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यूरिन में तो ग्लाइकोस यूरिया कंडीशन कहलाता है कीटोन बॉडीज़ प्रजेंट होते हैं तो कीटोन यूरिया उस कंडीशन को कहते हैं और ये दोनों ही कंडीशन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस की इंडिकेटिव हो सक होती हैं तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि यूरिन एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन में किडनी के अलावा लंग्स लिवर और स्किन भी जो है वो वेस्ट एलिमिनेट करने का काम करते हैं लंग्स के बारे में हम बात करें तो लंग्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सी ओ टू अप्रॉक्सीमेट टू हंड्रेड एम एल पर मिनट ये रिलीज़ करते हैं इसके अलावा सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिलीज़ करते हैं लिवर के बारे में हम बात करें जो कि लार्जेस्ट क्लैंड हमारी बॉडी का बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है जैसे बाइलोरोबिन बाइलोडिन कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्ट्राइड हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है इसके अलावा विटामिन एंड ड्रग्स को रिलीज करने का काम करता है मोस्ट ऑफ़ द सब्स्टेंसेज जो है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ पास आउट कर जाते हैं स्वेट या फिर सिबिसस ग्लैंड स्किन में ये भी सर्टेन सब्सटेंस को एलिमिनेट करती हैं अपने सिक्रीशंस के थ्रू जैसे कि जो स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा ये एक वाटरी फ्लूड होता है इसमें एन होता है कुछ अमाउंट्स में यूरिया भी होता है लैक्टिक एसिड होता है स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कूलिंग को फैसिलिटेट करना बॉडी सरफेस पर कूलिंग इफेक्ट को फैसिलिटेट करना इसके अलावा ये कुछ सब्सटेंसेस का रिमूवल भी कर सकता है जो, जो वेस्ट को हमने ऊपर मेंशन किया जैसे कि एन कुछ अमाउंट में यूरिया या फिर लैक्टिक एसिड सीबीएस क्लिन के बारे में बात करें तो ये भी सर्टेन सब्सटैसेस को एलिमिनेट कर सकता है जैसे गेस्टोरॉल हाइड्रोकार्बन या फिर वैक्सीस सीबम की फॉर्म में और इनका जो सिक्रीशन है वो है वो एक ऑयली कवरिंग ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है स्किन के ऊपर सो डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड भी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू हाँ कुछ जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा के द्वारा भी एलिमिनेट किए जा सकते हैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी की माल फंक्शनिंग हो जाती है तो एकमोलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में कंडीशन कहलाता है यूरीमिया हाईली हार्मफुल होता है और इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में जो है वो यूरिया को एक प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है प्रोसेस कहलाता है हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो ब्लड है वो ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से और पंप करके डायलाइजिंग यूनिट में ले जाया जाता है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं जो ब्लड ड्रेन हुआ कन्वीनियंट आर्टरी से डायलाइजिंग यूनिट में जो है वो एक एंटीकॉगोलेंट ऐड करके जैसे कि हिपेरिन डायलाइजिंग यूनिट में जो है वो सेंड किया जाता है पंप किया जाता है अब इस यूनिट में क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है जिसके आसपास एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूड और इसका जो कंसनट्रेशन होता है वो ब्लड के कंसन्ट्रेशन के सेम होता है मतलब प्लाज्मा के कंसन्ट्रेशन के सिमिलर होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है जो ट्यूब है सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ इसकी वजह से जो मालिक्यूल्स हैं वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से पास कर जाते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसमें डायलाइजिंग फ्लूड में एबसेंट होते हैं सो so, ये सब्सटेंसेज जो है वो फ्रीली आउट कर सकते हैं इस तरीके से जो ब्लड है वो क्लियर हो जाता है ये जो क्लियर ब्लड है ये वापस पंप कर दिया जाता है बॉडी में एक वेन के थ्रू एंटी हीपेरिन ऐड करके और ये जो मेथड है ये थाउजेंड्स ऑफ यूरिमिक पेशेंट्स के लिए एक वरदान है एक बून है नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड है रीनल फेलियर को ठीक करने का एक्यूट रीनल फेलियर को ठीक करने का एक फंक्शनिंग किडनी जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ की जा सकती है इस्पेशली एक डोनर से जो कि क्लोज रिलेटिव हो ताकि आ, उसके रिजेक्शन के चांस कम से कम हो जो इम्यून सिस्टम है हॉस्ट का वो उसे रिजेक्ट कर सकता है नॉर्मली मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर से जो है वो सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो गया है आ, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक का भी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीनल कैलकुलाई के बारे में स्टोन या इंसॉलिबल मास होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट का जैसे ऑक्जलिट्स ये किडनी में फॉर्म हो जाता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और बाकी इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड देखने को मिलते हैं अगर बड़ा स्टोन होता है तो सर्जिकल मेथड काम में आता है जो कंजर्वेटिव मेथड्स हैं वो फिर काम में नहीं आते नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोमेरोलिन एफराइटिस के बारे में तो इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरोलाई का किडनी में किडनी में ग्लोमेरोलाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें लाभ मिल सके और जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिल सके तो साथ के साथ अभी हमारे इलेवेंथ के तीन चैप्टर और बाकी बचे हुए और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं हम लोग ट्वेल्थ की एन स्टार्ट करेंगे तो अब आप अगर यहाँ तक इस जर्नी में ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपको कोई सजेशन सुझाव देना हो कि लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग